हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट टू स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। यूनिट टू में रिवीजन वीडियो होगी ये। इसमें हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे यूनिट टू में हमारा बीजेटी है, मॉसफेट है, जेफेट है, इन सब पे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको कवर किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट टू में हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांजिस्टर होता क्या है? सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस यूज फॉर एम्पलीफिकेशन एंड एज वेल एज स्विच। स्विच में एज ओपन स्विच या एज ए क्लोज स्विच हम लोग यूज कर सकते हैं। जो हमारा इस टॉपिक में ट्रांजिस्टर पढ़ने का मेन एम है कि ट्रांजिस्टर हमारा एज ए एम्पलीफायर कैसे काम करता है। ठीक है, तो एज ए एम्पलीफायर हमने सबने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में एज ए एम्पलीफायर काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, बीजेटी एंड फेट। बीजेटी आगे चलकर दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर बनाते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। फेट आगे जाकर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज मॉसफेट एंड जेफेट। एंड सिमिलरली जेफेट आगे जाकर एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट। सिमिलरली मॉसफेट आगे जाकर इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट एंड डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। इन्हांसमेंट टाइप में हमें चैनल क्रिएट करना पड़ता है, डिप्लेशन टाइप में ऑलरेडी एक इंटरनल चैनल रहती है जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करती है। तो डिप्लेशन टाइप में फर्दर एन चैनल, अगर करंट एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो कर रहा है दैट विल बी एन चैनल, अगर करंट पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो पी चैनल। सिमिलरली इन्हांसमेंट टाइप में भी अगर करंट एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रही है तो एन चैनल, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रही है तो पी चैनल। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन कि ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे ट्रांजिस्टर को कवर करेंगे, बीजेटी को, जेफेट को और मॉसफेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये बीजेटी की बात हो रही है। तो बीजेटी में हमारे पास ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, दैट इज एनपीएन एंड पीएनपी। तो ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर सिम्बॉल की बात करें तो सिम्बॉल एनपीएन ट्रांजिस्टर का कुछ इस तरीके से होगा, जब भी करंट बाहर की साइड आ रही है तो दैट विल बी एनपीएन ट्रांजिस्टर, और करंट अगर अंदर की साइड जा रही है तो दैट विल बी पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, और अगर टर्मिनल्स की बात कर ले तो ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, है ना। तो थ्री टर्मिनल डिवाइस में कौन कौन सा? बीजेटी के केस में हमारे पास है कलेक्टर, बेस एंड इमिटर। सिमिलरली ये तीनों जो टर्मिनल है हमारा सेम रहेगा एनपीएन के लिए भी और पीएनपी के लिए भी। यहाँ भी कलेक्टर, बेस और इमिटर, जिस टर्मिनल पे हम लोग करंट को शो कर रहे हैं अंदर जाते हुए या बाहर निकलते हुए, दैट टर्मिनल इज इमिटर। ठीक है, यहाँ पर पीएनपी में भी अंदर जाते हुए को हम लोग इमीटर से शो कर रहे हैं और बाहर निकलते हुए को इमीटर से शो कर रहे हैं, यानी कि जिस टर्मिनल पे हम लोग करंट को शो करेंगे दैट टर्मिनल विल बी इमीटर, उसके जस्ट अपोजिट कलेक्टर और बीच वाला हमारा बेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है हमारे पास। सिंबल की अगर बात करें तो जब भी हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो हम ये सिंबल बनाएंगे, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो ये सिंबल बनाएंगे। ठीक है, अगेन अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की एरिया प्रोफाइल की बात कर ले तो एरिया किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा एरिया होती है हमारी कलेक्टर की, देन इमिटर की और देन बेस की। बेस की सबसे कम एरिया होती है। सिमिलरली डोपिंग प्रोफाइल, सबसे ज्यादा हाईली डोप्ड होता है हमारा इमिटर, देन कलेक्टर एंड देन बेस। और डोपिंग प्रोफाइल के बेस पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा करेंट होती है इमीटर करंट, देन कलेक्टर करंट और देन बेस करंट। अगर करंट की इक्वेशन की बात करें तो इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये हम लोग लिखते आते हैं ट्रांजिस्टर के केस में। ठीक है, और ये हमारे पास हर ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड होता है, चाहे ट्रांजिस्टर वो एनपीएन हो या पीएनपी हो, दोनों केस में हमारा इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट एंड बेस करंट होता है। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, मोड ऑफ वर्किंग ऑफ रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। बीजेटी में मोड ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मोड्स की बात कर रहा हूं तो मैं एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन की बात करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला मोड है एक्टिव रीजन, और सबको पता है कि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर किस रीजन में काम करता है? एक्टिव रीजन में काम करता है। अब जैसा कि हमने एक्टिव रीजन में काम करता है, तो अगर मैं बोलूं हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, दिस वन इज इमीटर, दिस वन इज कलेक्टर एंड दिस वन इज बेस।
तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यानी एक्टिव रीजन में कब होगा? इसके पास दो जंक्शन है। पहला जंक्शन जो इमीटर साइड का जंक्शन होता है डेट इज कॉल्ड इमीटर जंक्शन, और कलेक्टर साइड का जंक्शन होता है डेट इज कॉल्ड कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, हमारे पास दो जंक्शन है, कलेक्टर टू बेस जंक्शन और बेस टू इमीटर जंक्शन। इन दोनों जंक्शन की बायसिंग पे डिपेंड करती है। बायसिंग मतलब वोल्टेज कि हम फॉरवर्ड बायस में करेंगे रिवर्स में करेंगे, है ना। यहाँ पर ये एन पी एन, हमारे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं। दोनों को फॉरवर्ड रख सकते हैं या दोनों को रिवर्स रख सकते हैं, एक को फॉरवर्ड एक को रिवर्स। तो इन सब पे बेस्ड एक कॉम्बिनेशन पे जो हमारा एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन कब होगा? जब इमीटर जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस पे रखेंगे और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस। इमीटर जंक्शन ये है, इमीटर जंक्शन को हमें फॉरवर्ड में रखना है, तो पी पे पॉजिटिव टर्मिनल दोगे और एन पे निगेटिव टर्मिनल दोगे, तो ये हमारा जंक्शन फॉरवर्ड में कनेक्ट हो गया। और एट द सेम टाइम कलेक्टर जंक्शन को किस में कनेक्ट होना चाहिए? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में यानी कि पी पे हम लोग निगेटिव वोल्टेज देंगे और एन पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर टू बेस जंक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस टू इमिटर जंक्शन। ठीक है, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज का मतलब होता है कलेक्टर वोल्टेज माइनस बेस वोल्टेज। सिमिलरली बेस टू इमिटर वोल्टेज का मतलब है बेस वोल्टेज माइनस इमिटर वोल्टेज। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है दैट इज इन एक्टिव रीजन। अब ऐसा नहीं है कि बायसिंग ऐसे कर देने से जरूरी है कि एक्टिव रीजन में हो ही जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि इसकी वैल्यू क्या क्या है। जरूरी नहीं है कि हो जाएगा, हम वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू से हम देखेंगे कि वो फॉरवर्ड में हो भी रहा है या नहीं। अब फॉरवर्ड में होने के लिए वीबीई को 0.7 से ग्रेटर तो होना चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यूज क्या है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हमने कर दिया तो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन हाँ इनिशियली ऐसा है कि इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड में तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो फॉरवर्ड में करंट फ्लो करे या ना करे, लेकिन फॉरवर्ड में तो करंट हमें कनेक्ट करना ही पड़ेगा। सिमिलरली कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स में कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। अब इसकी गारंटी नहीं है कि वो एक्टिव रीजन में होगा, वो सब बात की बात है, उतना डीप सिलेबस हमारा है भी नहीं, डीप सिलेबस है उसकी बात करें। ठीक है, नेक्स्ट सैचुरेशन रीजन। अगेन सैचुरेशन रीजन होने के लिए दोनों जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बायस में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगेन मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूं, ये हमारा इमिटर, दिस वन इज कलेक्टर और दिस वन इज बेस। सैचुरेशन रीजन में जाने के लिए दोनों जंक्शन को हम फॉरवर्ड में कनेक्ट करेंगे। दोनों जंक्शन फॉरवर्ड, तो हमारा ट्रांजिस्टर किस में हो जाएगा? सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इस केस में हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में हो जाएगा। अगेन गारंटी नहीं है कि होगा ही, पर हाँ इनिशियली तो हमें ऐसा कनेक्ट करना ही पड़ेगा। वो सब डिपेंड करेगी वीसीबी की वैल्यू और वीबीई की वैल्यू पे, इसकी वैल्यू क्या क्या है, और एक्चुअल में चेक करेंगे कि हमारा फॉरवर्ड है भी या नहीं, और ये हमारा रिवर्स में सॉरी फॉरवर्ड में है या नहीं। ठीक है, वो सब बात की बात है, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अगर सैचुरेशन रीजन में देखें तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है, यानी कि क्लोज स्विच। इस कंडीशन में हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, और कौन सा स्विच? क्लोज। ठीक है, सिमिलरली कट ऑफ रीजन की बात करेंगे तो कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन को हम लोग रिवर्स में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा ट्रांजिस्टर रिवर्स में हो जाएगा, और रिवर्स में हम ट्रांजिस्टर को एज ए क्या यूज करते हैं? ओपन स्विच। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन और मोड में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोड ऑफ ट्रांजिस्टर में कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में मोड लिख के आ जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांजिस्टर आपको बता रहा है कि ट्रांजिस्टर कैसे कैसे काम कर सकता है एज एम्पलीफायर एज ए स्विच, है ना, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में हम लोग एक टर्मिनल को कॉमन रखते हैं बिटवीन टू टर्मिनल्स। जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो बेस हमारा कॉमन है इमीटर और कलेक्टर के, है ना। हम लोग इनपुट दे रहे हैं इमीटर साइड से और आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर साइड से, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली तीन टर्मिनल्स हैं तो तीन कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो
इस वाले वीडियो में हम लोग अगेन कॉमन बेस और कॉमन इमिटर की बात करेंगे, क्योंकि कॉमन कलेक्टर कभी एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि कॉमन कलेक्टर में हमें गेन उतना मिल नहीं पाता जितना मिलना चाहिए, तो दैट्स वाई कॉमन कलेक्टर कंफर्मेशन यूजलेस होता है, तो इसलिए हम लोग कॉमन बेस और कॉमन इमिटर ही पढ़ते हैं, और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यही या तो कॉमन बेस आएगा या तो कॉमन इमिटर आएगा, ठीक है। तो कॉमन बेस की बात करें तो बेस हमारा कॉमन हो गया, यानी कि बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हम लोग इनपुट यहां से दे रहे हैं और आउटपुट है ना कहां से ले रहे हैं, कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं हम लोग इमीटर टर्मिनल, ठीक है। और इस वोल्टेज को क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कौन सा जंक्शन हुआ, दिस वन इज इमीटर जंक्शन और दिस वन इज कलेक्टर जंक्शन। तो इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए एज एम्पलीफायर, इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में कनेक्टेड है, दैट इज वीबी, ठीक है। सिमिलरली कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में होना चाहिए, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में है, अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ऑब्वियस एनपीएन है क्योंकि करंट बाहर की साइड आ रही है, ठीक है। इसको हमने बोला बीसी बी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, ठीक है। इनपुट हम लोग दे रहे हैं इमीटर टर्मिनल पे और आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा किस में है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है, एज एम्पलीफायर तो काम कर रहा है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका, कॉमन बेस, ठीक है। तो जब हम लोग मोस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर बोलते हैं तो दैट इज ओनली फॉर द एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, पर उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है उससे हमें मतलब। अब ये भी हमारा एक्टिव रीजन में है लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस, यानी बेस इज कनेक्टेड बिटवीन इनपुट एंड कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब इसी में एक टर्म आता है कॉमन बेस में अल्फा, दैट इज करंट गेन, है ना। करंट गेन, करंट गेन क्या होती है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, जहां भी गेन की बात होगी आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट करंट क्या होगी आईसी, इनपुट करंट क्या है आई, तो आईसी अपॉन आई इज कॉल्ड अल्फा इन केस ऑफ कॉमन बेस, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोल लो, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोल लो या करंट गेन बोल लो, एक ही बात, ठीक है। तो जब भी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आएगा ना तो कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉमन बेस का डायग्राम बनाना है, अल्फा को डिफाइन करना है और ये दिखा देना है कि इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में है, ठीक है। और बेस इज कॉमन बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, ध्यान रखना कि कॉमन बेस बना रहे हो तो इनपुट इमीटर पे हो और आउटपुट कलेक्टर जंक्शन से, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब पीछे वाली डायग्राम में देखो, पीछे वाली डायग्राम में इनपुट वोल्टेज इज दिस वोल्टेज, दैट इज बेस टू इमीटर वोल्टेज, और इनपुट करेंट इज इमीटर करेंट, दैट इज आई। तो इनके बीच में हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं इनपुट वोल्टेज वर्सेज इनपुट करेंट, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। अब ये जो डायग्राम है हमारे पास कौन सी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट के बीच में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। और इस ग्राफ में मेन चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की ग्राफ बना रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखते हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखते हैं, यानी कि जब हम लोग इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग VCB को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे हम लोग आई को ऑब्जर्व करेंगे कि आई की वैल्यू क्या होती है, अगेन दूसरे VCB वैल्यू पे हम लोग दूसरा ग्राफ बनाएंगे, तीसरे VCB वैल्यू पे हम लोग तीसरा ग्राफ बनाएंगे, यानी कि हर एक ग्राफ के लिए VCB हमारा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमने एक VCB 1 पे ग्राफ बनाया एंड देन VCB 2 पे ग्राफ बनाया, मान लो इसकी 2 वोल्ट है और ये हमारा 4 वोल्ट है, ठीक है। तो जब हमने क्या देखा कि ग्राफ बनाने पे जैसे जैसे हम लोग आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब रिवीजन वीडियो है तो मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये बस अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो आपको रीजन पूछेगा। सिंपल याद रखना है कॉमन बेस में
जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रख के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो हमारा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। डैट से इसी स्टेटमेंट को इस ग्राफ के साथ यहाँ पर लिख देना, समझ में आई बात। और जब इनपुट आउटपुट कैटेस्टिक एग्जाम में बनाते हो तो एक्सिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ बना के आ गए। एक्सिस का नाम, कौन सा एक्सिस इनपुट है तो इनपुट वोल्टेज, कौन सा करंट इनपुट करंट, कौन सी इमीटर करंट, कॉमन बेस है तो इमीटर करंट, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे तुमने बीसीबी की वैल्यू बढ़ाई है तो हमारा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। ग्राफ में दिखाओगे इसको, अपने लैंग्वेज में साइड में लिखोगे, इनपुट स्टैटिस्टिक हमारा यहीं पे ओवर हो जाता है, राइट। आगे चले, नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट कैटेस्टिक। आउटपुट कैटेस्टिक की बात करें तो आउटपुट कैटेस्टिक किसके किसके बीच में बनेगा, कॉमन बेस का अगर डायग्राम देखो तो आउटपुट कैटेस्टिक की बात हो रही है, यानी कि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में बनने वाला है ना। तो आउटपुट करंट हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज है VCE, आउटपुट करंट है IC, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ बनाया तो जब हम आउटपुट कैटेस्टिक को ड्रॉ कर रहे होंगे, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बना रहे होंगे, उस टाइम पे हम लोग इनपुट करंट आई को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट आई करंट पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ग्राफ बीसीबी इंक्रीज करने पे आईसी पे क्या इफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली इस ग्राफ में हमने एक कंडीशन लिया जब इमीटर करंट जीरो है, तो जब इमीटर करंट जीरो है तो कलेक्टर करंट भी अप्रोक्सीमेट जीरो ही होगा, क्योंकि इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ठीक है। बेस करंट बहुत ही कम होता है तो उसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, जब इमीटर करंट ही जीरो है तो आईसी भी हमारा अप्रोक्सीमेट जीरो ही होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हमने इमीटर करंट की वैल्यू बढ़ाई है तो इमीटर करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इनडायरेक्ट वे में हमारा आईसी करंट भी बढ़ेगा। इमीटर करंट की अलग अलग वैल्यू पे देखा हमने तो आईसी करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, और इस वोल्टेज के कारण, बीसीई वोल्टेज के कारण हमारा ग्राफ सैचुरेट हो रहा है। इस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के कारण करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है, ध्यान देना, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज हमारा रिवर्स बायस में है, ये वाला जंक्शन रिवर्स में कनेक्टेड है, रिवर्स में कनेक्टेड है यानी कि ये रिवर्स वोल्टेज है। अब एक चीज बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि हम ग्राफ तो बना रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वीसीबी को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस, देखो ग्राफ पॉजिटिव में बनाया लेकिन इसमें वैल्यूज निगेटिव में लिखी है, चलो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बुक में ग्राफ पॉजिटिव में बना होता है और वैल्यूज निगेटिव नहीं होता, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस कि तुम्हें मुझे पता है कि ये रिवर्स बायस में है तो उसके अकॉर्डिंग मैं ग्राफ बना लेता हूँ। कैसे, अभी देखो रिवर्स बायस में होने के लिए पी पे कैसा वोल्टेज होना चाहिए, निगेटिव, और एन पे पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस में है। हम लोग वोल्टेज किसकी बात कर रहे हैं, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, ठीक है। जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में है लेकिन हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, कलेक्टर वोल्टेज माइनस बेस वोल्टेज। बीसीबी को क्या लिखोगे, कलेक्टर वोल्टेज माइनस बेस वोल्टेज, क्या लिखेंगे। अब कलेक्टर वोल्टेज तो हमारा पॉजिटिव है तो फाइनली ये बीसीबी कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। अगर ये मैं बोलता वीबीसी यानी बेस टू कलेक्टर वोल्टेज तो ये निगेटिव हो जाता, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस, जंक्शन हमारा रिवर्स में है लेकिन वोल्टेज तुम कैसे मेजर कर रहे हो, कलेक्टर टू बेस मेजर कर रहे हो या बेस टू कलेक्टर मेजर कर रहे हो, उस पर फर्क पड़ेगा, वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम लोग लिख रहे हैं बीसीबी, तो ऑब्वियस है वोल्टेज तो कलेक्टर टू बेस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो गई, और इस पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाने से एक्चुअल में ये रिवर्स बायास का ही वोल्टेज बढ़ रहा है, और रिवर्स बायास बढ़ाने से हमारा करंट कभी इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। सेम रीजन पे ये जो करंट आईसी की करंट की वैल्यू तुम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ये रीजन ये है क्योंकि इनपुट करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इनपुट करंट इनडायरेक्टली हमारा
कलेक्टर करंट को इंक्रीज करेगा ही, क्योंकि इमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन रीजन होते हैं, कौन कौन से। अब ये तो वोल्टेज था वीसीबी पॉजिटिव, ठीक है, इसने निगेटिव लिया है उसको हटा दो, तुम पॉजिटिव मान के चलो क्योंकि वीसीबी वोल्टेज की बात हो रही है, वीसीबी वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस। अब इसी वोल्टेज को अगर मैं निगेटिव में लूँ, है ना, तो निगेटिव में लूंगा तो क्या होगा, जो हमारा कलेक्टर टू बेस जंक्शन था रिवर्स में था, वोल्टेज निगेटिव ले लिया तो वो भी जंक्शन फॉरवर्ड में हो जाएगा, है ना। तो जो भी हमारा पार्ट निगेटिव वाला आ रहा है, ये पूरा पार्ट किस में आ जाएगा, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे कि ये सैचुरेशन रीजन में है। रीजन क्योंकि इमिटर जंक्शन तो फॉरवर्ड में था ही, जब हम वीसीबी को निगेटिव में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड हो जाएगा। दोनों जंक्शन फॉरवर्ड कब होता है, सैचुरेशन रीजन में, है ना। ठीक है, अब जब इमीटर करंट ही जीरो है, राइट, जब इमीटर करंट ही जीरो है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है ट्रांजिस्टर में, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये कट ऑफ रीजन में है, राइट, कट ऑफ रीजन में है। और इसके अलावा जो भी हमारे पास ग्राफ बन रही है ना, इसके अलावा जो भी ग्राफ हमारा बन रहा है, ये कहलाता है हमारा एक्टिव रीजन। ठीक है, ये कहलाता है हमारा एक्टिव रीजन। और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही एज एम्पलीफायर काम करता है, कट ऑफ में तो क्लोज स्विच, सॉरी ओपन स्विच, सैचुरेशन में क्लोज। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी। ठीक है, अब जब भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे कॉमन बेस में, तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सिस का ये वीसीबी वोल्टेज है कलेक्टर टू बेस, और ये हमारा आईसी करंट है, दैट इज आउटपुट करंट। सिर्फ डायग्राम बना देने से नहीं होगा, और ये हमारा इमीटर करंट है जो कि अलग अलग वैल्यूज पे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखना चाहिए कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आईसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जीरो पे हमारा आईसी करंट अप्रोक्सीमेट जीरो था, उसके नीचे वाला कट ऑफ रीजन, निगेटिव में वोल्टेज चले जाओ तो सैचुरेशन, और ये हमारा एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन को एक्सप्लेन कर दो, तुम्हें पता है एक्टिव रीजन में क्या होना चाहिए, इमीटर और फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, दोनों सॉरी इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, रिवर्स में हमारा कलेक्टर जंक्शन होना चाहिए, सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड, कट ऑफ में दोनों रिवर्स, तो एक्टिव सैचुरेशन कट ऑफ। जब भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो इन रीजंस को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ठीक है, तो जब भी कॉमन बेस का क्वेश्चन आएगा, करना क्या है, कॉमन बेस का डायग्राम बनाओगे, इस डायग्राम में दिखाओगे कि बेस हमारा कॉमन है बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, अल्फा बताओगे, अल्फा क्या होता है, देन आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में, और ये दिखाओगे कि जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज हमने इंक्रीज करा तो हमारा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट ये बताओगे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमारा ग्राफ इमीटर करंट की वैल्यू बढ़ाने पे अप शिफ्ट हो रहा है, यानी कि कलेक्टर करंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, और तीनों रीजन को दिखाओगे, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन। ठीक है, इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, करंट इक्वेशन। करंट इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ते हुए आए हैं कि इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये तो हमारा एक कॉमन सा करंट इक्वेशन है जो कि हर ट्रांजिस्टर में वैलिड। लेकिन जब कॉमन बेस पढ़ा, कॉमन बेस में यहाँ से अगर देखें तो आईसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आईसी इज इक्वल टू सॉरी आईसी अपॉन आई कर दो इसको। ठीक है, IC इज इक्वल टू अल्फा I लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, अगर यहाँ से लिखेंगे तो कलेक्टर करंट इज अल्फा I। पर इस वाले इक्वेशन में एक चीज मिसिंग है, कि कौन सी बात मिसिंग है, कि रिवर्स बायस में जो करंट है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। रिवर्स बायस यानी इमीटर कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में है, रिवर्स में कुछ तो करंट फ्लो हो रही होगी, एंड दैट करंट इज कॉल्ड IC, यानी कि कलेक्टर टू बेस करंट
व्हेन इनपुट साइड इज ओपन, यानी इनपुट को हम लोग ओपन रखेंगे और सिर्फ इस जंक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ उस टाइम पे कौन सी करंट फ्लो हो रही होगी, रिवर्स करंट। तो रिवर्स करंट का नाम है हमारा ICBO, यानी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, कलेक्टर टू बेस करंट। कलेक्टर टू बेस करंट कौन सी होगी? रिवर्स करंट, क्योंकि कलेक्टर टू बेस हमारा कैसे बायस्ड है, रिवर्स में बायस्ड है। तो कॉमन बेस के केस में करंट इक्वेशन चेंज हो जाता है, दैट इज IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO, दिस इज रिवर्स करंट ऑफ कलेक्टर, ठीक है। और ये अल्फा आई, IC इज इक्वल टू अल्फा आई, तो हमें यहाँ से मिल जाता है। तो बस हमने ऐड कर दिया है ICBO। अब इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, हटा दोगे स्टिल इट इज राइट, IC इज इक्वल टू अल्फा आई। लेकिन जो भी वैल्यू है माइक्रो में एम्पियर में है, अगर उसको हम लोग कंसिडर करें तो पूरा इक्वेशन क्या होता है, IC इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस ICBO। दैट्स ऑल अबाउट कॉमन बेस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन इमिटर। अगर कॉमन इमिटर की बात करें, जैसे तो बेस पे हमारे पास कॉमन क्या था, कॉमन बेस में बेस कॉमन था इनपुट और आउटपुट के बीच में। यहाँ पर हमारे पास इमिटर कॉमन है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट हम लोग कहाँ से दे रहे हैं, बेस टर्मिनल से। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर टर्मिनल से। अगेन इस केस में अगर करंट गेन की बात करें तो इस केस में जो करंट गेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट क्या है IC और इनपुट करंट क्या है IB, ठीक है। अगेन कॉमन इमिटर है, कॉमन इमिटर में हमें एज ए एम्पलीफायर पढ़ना है, तो अगेन काम वही करेंगे हम लोग। कौन सा इमिटर जंक्शन कहाँ पे है हमारे पास, इमिटर जंक्शन ये रहा, कलेक्टर जंक्शन ये रहा। इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस यानी BBE, और कलेक्टर जंक्शन यानी कि BCE, BCE कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज रिवर्स बायस, यानी कि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में और इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड। तो ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, चाहे वो कॉमन बेस हो या कॉमन कलेक्टर हो, दोनों केस में हमारे पास इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में होना इम्पॉर्टेंट है, तभी एज एम्पलीफायर ये काम करेगा, अदरवाइज। तो ये करने के बाद करंट गेन की अगर बात करोगे तो इस टाइम पे आउटपुट करंट हमारा IC है, इनपुट करंट हमारा IB है, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाता है इस केस में IC अपॉन IB, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो इनपुट साइड के लिए, आउटपुट करोगे तो आउटपुट साइड के लिए। इनपुट साइड में इनपुट करंट क्या है अब IB, और इनपुट वोल्टेज VB। सिमिलरली आउटपुट करंट क्या है IC, आउटपुट वोल्टेज क्या है VCB, सॉरी कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज VCB। और जब भी इनपुट करंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो उस टाइम पे इनपुट करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगेन अगर इस करंट इक्वेशन को आगे लेके चले तो यहाँ से क्या लिखोगे, IC इज इक्वल टू बीटा IB। अगेन एक चीज रह रही है रिवर्स बायस, यानी कलेक्टर जंक्शन जो रिवर्स में है उसमें जो भी करंट फ्लो कर रही होगी, बहुत ही कम करंट फ्लो कर रही होगी, उसको अगर कंसीडर करें तो हम लोग लिखते हैं बीटा IB प्लस ICEO। ICEO कौन सी करंट हुई, कलेक्टर टू इमीटर, यानी कलेक्टर टू इमीटर रिवर्स करंट जो फ्लो हो रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है। जब भी हम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज की बात करेंगे, मतलब करंट की बात करेंगे, तो वो रिवर्स करंट ही होगा, और उस टाइम पे इनपुट साइड में कोई भी हम लोग कनेक्शन नहीं देंगे, सिर्फ रिवर्स करंट की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम लोग ICEO और ICBO का रिलेशन देखें, ठीक है, ICEO और ICBO का रिलेशन देखें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ICEO इज इक्वल टू ICBO अपॉन वन माइनस बीटा। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन तो हमारा कॉमन इमिटर का होता है, ठीक है, कॉमन इमिटर का क्वेश्चन होता है, और उसमें ICEO ना देकर ICBO दे देते हैं, ठीक है। तो तुम ये इक्वेशन लगाओगे तो तुम्हें ICEO पता होना चाहिए, तो ICEO कहाँ से निकालोगे, ICBO पता होगा, अल्फा पता होगा, तो हम लोग यहाँ से
ICU निकाल लेंगे एंड देन इसमें ऐड करेंगे, तो IC इज इक्वल टू बीटा IV प्लस IC। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है, बता दिया मैंने, आगे चले। नेक्स्ट है हमारे पास VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन, यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो अगेन इनपुट वोल्टेज इस केस में हमारे पास कौन सी है, VVE यानी बेस टू इमिटर वोल्टेज, और इनपुट करंट कौन सी है, IV। अगेन ये हमारा फॉरवर्ड डायोड की तरह होगा, जैसे जैसे VVE वोल्टेज बढ़ाओगे IV करंट इंक्रीज करेगी, तो हमारा ग्राफ जैसे नॉर्मल डायोड में आता है सिमिलरली ऐसा ही ड्रॉ होगा। लेकिन जो कॉमन बेस में क्या हो रहा था, आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास VCE और VCE2। अगर इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट पे हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट। ठीक है, जैसा कि कॉमन बेस में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। जब आउटपुट वोल्टेज बढ़ाओगे तो हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है इन केस ऑफ कॉमन इमिटर। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, आगे चले। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन इमिटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, आउटपुट वोल्टेज VCE। आउटपुट करंट कौन सी है हमारे पास इस टाइम, अगेन यहाँ पे IC करंट। ठीक है, अब बेस करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हमने ग्राफ ड्रॉ करा है, तो इस टाइम पे हमने क्या देखा कि जब बेस करंट जीरो है तो ग्राफ हमारा अप्रोक्सीमेट IC करंट भी जीरो दे रहा था, और इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, राइट। नेक्स्ट, जैसे जैसे हमने IV करंट को इंक्रीज करा है तो IC भी हमारा इंक्रीज हो रहा था, अगेन रीजन वही है, इमीटर करंट इज इक्वल टू IC प्लस IV। यहाँ से IC इज इक्वल टू क्या होगा, IE माइनस IV। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने बेस करंट को इंक्रीज करा है वैसे वैसे हमारा IC करंट क्या हो रही है, इंक्रीज होते हुए आ रही है। ठीक है, तो जो भी हमारा निगेटिव पार्ट होगा, जो कि निगेटिव वोल्टेज के लिए अगर जाओगे तो निगेटिव वोल्टेज में हमारा दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, सिमिलरली दूसरा हमारे पास एक्टिव रीजन होगा, ये पूरा रीजन हमारा एक्टिव रीजन में आता है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस और कॉमन इमिटर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक्सेस का ध्यान रखना है कि यहाँ पर IC होगा और यहाँ पर VCE होगा। ठीक है, और यहाँ पर IE करंट ना हो के कौन सी करंट है, बेस करंट, और बेस करंट जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा IC करंट की वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके साथ एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन को साथ में एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। जब भी कॉमन इमिटर का क्वेश्चन होगा, अगेन कॉमन इमिटर का डायग्राम, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा बता दो ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, करंट इक्वेशन, करंट इक्वेशन के साथ साथ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के बारे में थोड़ी बातें कर दोगे, दैट्स इट, हमारा कॉमन इमिटर का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो BJT में हमारे पास इतना ही था, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो JFET होगा। ठीक है, उससे पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बोल रहा है इन कॉमन बेस, कॉमन बेस की बात हो रही है। ठीक है, इन केस ऑफ कॉमन बेस इमीटर करेंट इज 1 mA, यानी क्या गिवन है हमारे पास, इमीटर करेंट गिवन है 1 mA। If the emitter circuit is open, देखो ध्यान से, emitter circuit is open, the collector current is 50 μA. Emitter circuit is open, यानी input side open है, input side emitter में कब होता है, emitter input side में कब आता है, जब हम common base की बात करते हैं, emitter circuit is open मतलब this one is open, और उस टाइम पे जो भी करंट गिवन है वो कौन सी करंट गिवन है, रिवर्स करंट गिवन। ठीक है,
मीटर सर्किट इज ओपन, द कलेक्टर करेंट इज 50 माइक्रो एम्पियर, मतलब आईसी डीओ गिवन है कितना 50 माइक्रो एम्पियर। फाइंड द टोटल कलेक्टर कलेक्टर करेंट गिवन अल्फा इज 0.92। तो इमीटर सर्किट ओपन है मतलब इनपुट साइड का इमीटर सर्किट कब आता है, जब हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको देखते ही मुझे पता चल गया कि कॉमन बेस की बात हो रही है, तो जो भी रिवर्स करंट होगा वो किसका होगा, आईसीबीओ का होगा। ठीक है, हो सकता था यहाँ पर बोल सकता था बेस सर्किट इज ओपन, तो ये करंट हमारी कौन सी होती, आईसीबीओ होती। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पहले भी कॉमन बेस बोला हुआ है तो आईसीबीओ ही होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ बेस सर्किट इज ओपन तो मतलब हम आईसीबीओ की बात। ठीक है, तो सब कुछ गिवन है, फाइंड दी कलेक्टर करंट। अगेन कलेक्टर करंट का क्या फॉर्मूला होता है, इन केस ऑफ कॉमन बेस आईसी इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस आईसीपीओ, यही होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.92, एमीटर करंट हमारे पास 1 मिली एम्पियर है, प्लस आईसीपीओ हमारे पास है 50 माइक्रो। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 0.97। ठीक है, करके देख लेना। चलिए आगे, तो इसमें कॉमन बेस का क्वेश्चन आ सकता है या कॉमन इमीटर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये कॉमन इमीटर होता तो हम आईसी इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाते, बीटा आई बी प्लस आईसीई। अब ये ध्यान देना कि क्वेश्चन में आईसीईओ गिवन है या आईसीबीओ गिवन है। अगर आईसीबीओ गिवन है तो यहां से आईसीईओ इज इक्वल टू क्या होता है, आईसीबीओ अपॉन 1 माइनस, जो भी गिवन होगा वहां से आईसीईओ मिल जाएगा। डायरेक्ट आईसीईओ गिवन है तो अच्छी बात है, अगर आईसीबीओ गिवन है तो यहां से आईसीईओ निकालो फिर उसको ऐड। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास एन चैनल जेफेक्ट। इससे पहले हमने बीजेटी देखा, बीजेटी दो टाइप्स का होता है, एनपीएन और पीएनटी। तो हमने कॉमन बेस कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखा, जो कि क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वही दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, या तो कॉमन बेस आएगा या तो कॉमन इमिटर आएगा। कॉमन बेस के साथ एक न्यूमेरिकल अटैच होकर आ सकता है, कौन सा, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी पी ओ वाला। सिमिलरली कॉमन इमिटर के साथ एक न्यूमेरिकल आ सकता है, आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आईसीईओ का। ठीक है, इसके अलावा बीजेटी से कोई मेजर क्वेश्चन बनता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की जगह पे पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करके बोल देगा। तो करना कुछ नहीं है, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता है कि इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स, इस बेसिस पे हम लोग दूसरा जो भी डायग्राम बना सकते हैं उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी तीन टर्मिनल है, लेकिन इस बार नाम गेट सोर्स और ड्रेन है। ठीक है, गेट टर्मिनल अगर एन चैनल की बात हो रही है तो जो भी करंट फ्लो होगी हमारा एन टाइप में होगी, दैट्स वाई एन चैनल है ना। करंट किस चैनल में फ्लो हो रही है, किस सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रही है, वो डिसाइड करता है कि हमारा एन चैनल जेफेट है या पी चैनल जेफेट है। तो इस टाइम पे हमने दोनों साइड से पी टाइप सेमीकंडक्टर को इंसर्ट करा है एक सिंगल एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और दोनों पी को हमने एक वायर से शॉर्ट कर रखा है जिसको हमने गेट टर्मिनल का नाम दिया है। दूसरा टर्मिनल हमारे पास ड्रेन है और तीसरा टर्मिनल हमारे पास सोर्स है। ठीक है, अगर इसके सिम्बॉल की बात करें तो सिम्बॉल कुछ इस तरीके से होता है, गेट ड्रेन एंड सोर्स। अब करंट की डायरेक्शन अंदर की साइड है अगर, तो हम लोग बोलते हैं एन चैनल जेफेट। यहीं पे अगर करंट की डायरेक्शन बाहर की साइड होती तो वो होता हमारा पी चैनल जेफेट। ठीक है, तो जेफेट में कंस्ट्रक्शन की अगर तो बात करें तो इतनी ही होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर करंट की बात करते हैं कि करंट कैसे फ्लो होता है, तो जेफेट में तुम्हें पता है कि
एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो पहली बात, जब हम लोग गेट पे कोई भी वोल्टेज ना दें, गेट पे हमने 0 वोल्ट दिया, सिंपल ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी लगा दी। अगेन ड्रेन और सोर्स डिफाइंड नहीं है कि ऊपर ही ड्रेन होगा नीचे ही सोर्स होगा, इट्स ऑल अबाउट कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है दैट टर्मिनल इज। ठीक है, अब ये तो हमने वी डी एस वोल्टेज लगाई है, यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल। तो जिधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है डैट इज ड्रेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है, तो ये ड्रेन है। अगर यहीं पर पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग नीचे से कनेक्ट करते तो इलेक्ट्रॉन नीचे से निकलता, तो ये हमारा ड्रेन टर्मिनल। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा जहाँ भी एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर आएगा वहाँ पे डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब तक हमने कोई भी वोल्टेज नहीं दी है तब तक हमारे पास पी और एन के बीच में डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होगा, जो कि इनफॉर्म होगा थ्रू, है ना। डायग्राम में दिख रहा है कि चारों तरफ से इनफॉर्म डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस, अभी तक हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में हमने VDS वोल्टेज दी है, जो कि ड्रेन पे पॉजिटिव वोल्टेज और सोर्स पे निगेटिव वोल्टेज। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल को N साइड से कनेक्ट करा है, तो N साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, N साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होगा, और बाहर निकलेगा तो डिप्लेशन लेयर को डिस्टर्ब करेगा, तो दैट्स वाई डिप्लेशन लेयर ऊपर की साइड थोड़ा टिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इसकी वोल्टेज दोगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन एक टाइम पे जाकर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास एक लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉन की, उससे ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हैं। इनिशियली इंक्रीज करेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी करंट इंक्रीज कर सकते हो जीरो गेट वोल्टेज पे वो होती है हमारी मैक्सिमम सैचुरेशन करंट। ठीक है, वो होती है हमारी मैक्सिमम सैचुरेशन करंट। अब गेट वोल्टेज पे डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करने के लिए हम क्या वोल्टेज देंगे, नेगेटिव वोल्टेज। रीजन, क्योंकि पी पे अगर पॉजिटिव कनेक्ट करोगे तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, रिवर्स में कनेक्ट करेंगे तभी ये डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में यानी एन चैनल जेफेट में गेट वोल्टेज नेगेटिव देते हैं ताकि डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करे। नेगेटिव वोल्टेज दोगे, जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाओगे डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा, और एक टाइम आएगा कि दोनों डिप्लेशन लेयर आपस में टच कर जाएंगे, उस टाइम पर करेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज और कि जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या होगा, रुकावट आएगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होता जाएगा, यानी कि पी पे जब भी नेगेटिव वोल्टेज कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव वोल्टेज की जब वैल्यू बढ़ाओगे -1, -2, -3 तो जो भी हमारा ड्रेन करंट था उसकी वैल्यू कम होती हुई आएगी, क्योंकि हमने डिप्लेशन लेयर को इंक्रीज कर दिया है बाय अप्लाइंग नेगेटिव वोल्टेज, और वो नेगेटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रही है। ठीक है, तो जब भी वर्किंग की बात करेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स की वर्किंग होगी, VDS, VGS 0 और VGS less than 0। ठीक है, दो कंडीशन बनती है। तो गेट वोल्टेज 0 पे तो हमने देख लिया था, जब गेट वोल्टेज 0 है तो डिप्लेशन टाइप डिप्लेशन रीजन हमारा यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी जब तक हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कनेक्ट नहीं करते। इस वाली डायग्राम में हमने क्या करा है, ड्रेन टू वोल्टेज दिया है, गेट वोल्टेज 0 दिया है, पहले 0 दिया है तो उससे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा और मैक्सिमम करंट तक जाएगा, और डिप्लेशन लेयर ऊपर की साइड से टिल्ट होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर की साइड है। अगर यही इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे की साइड होता तो डिप्लेशन लेयर नीचे की साइड टिल्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब हमें डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करना है तो ऑब्वियस है, ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी पे हम लोग नेगेटिव वोल्टेज देंगे तभी हमारा ये रिवर्स में होगा, और रिवर्स में करके हम डिप्लेशन लेयर को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होकर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, दैट्स वाई हमारी करंट की वैल्यू कम होती हुई चली जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ जेफेट हम लोग सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि गेट करंट यहाँ पर गेट में कोई भी करंट नहीं जाता है क्योंकि इसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होती है। बीजेटी एक अच्छे एम्पलीफायर की खास बात यही है कि उसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, दैट्स वाई हम लोग बीजेटी से जेफेट पर शिफ्ट हुए ना, तो
इसकी इनपुट इम्पोर्टेंस बीजेटी से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो हम लोग यहाँ से तो गेट करंट जीरो होती है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ही नहीं होता है, कितना भी इनपुट वोल्टेज बढ़ाओ गेट करंट तो जीरो ही रहेगा। दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी इन केस ऑफ जेपर, ठीक है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, राइट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ही ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन सा, आईडी वर्सेस वीडीएस, वीडीएस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और आईडी करंट के बीच में ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ को बनाते समय हमने एक कंडीशन ली थी, जब वीजीएस हमारा क्या था, जीरो वोल्ट था, तो उस टाइम पे करंट तो एक मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिमिटेशन है कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, तो उसके बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद तुम कितना भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा लो आईडी करंट इंक्रीज नहीं करेगी, वो क्या करेगी, सैचुरेट करेगी। अब क्या है, अब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव में इंक्रीज करेंगे, हमारा करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो रहा है और दैट डिप्लेशन लेयर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर रहा है, रोक रहा है। और एक टाइम आएगा कि VGS ज़्यादा निगेटिव यानी 4 वोल्ट पे जाकर वो क्या होती है, हमारी करंट बिल्कुल ही जीरो हो जाती है और दैट वोल्टेज नोन एज ए VGS ऑफ, वो बाय डिफॉल्ट पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू भी सेम होती है। अब पिंच ऑफ वोल्टेज कैसे डिफाइन होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद हमारा करंट सैचुरेट कर जाता है, यानी कि VDS की वो वैल्यू, ध्यान से सुनना, पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है, VDS की वो वैल्यू जिस वोल्टेज के बाद हमारा करंट सैचुरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। वो बाय डिफॉल्ट पिंच ऑफ वोल्टेज और VGS ऑफ दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, यानी कि जो हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज है वही हमारा यहाँ पर गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव में करते करते जहाँ पर आते हैं वो जीरो हो जाता है। दैट्स वाई पिंच ऑफ वोल्टेज और VGS ऑफ दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर वो साइन के साथ जाए तो VGS तो हमारा निगेटिव वोल्टेज है और पिंच ऑफ वोल्टेज तो हम VDS पे ले रहे हैं, तो पिंच ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव है, ठीक है। पिंच ऑफ वोल्टेज डिफाइन होता है विथ रिस्पेक्ट टू VDS, लेकिन VGS और VP की दोनों की, सॉरी, पिंच ऑफ वोल्टेज और VGS की वैल्यू सेम हो। अब इसमें जब क्वेश्चन आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो सीधा बोलेगा कि एन चैनल जेफेक्ट, एन चैनल जेफेक्ट बोलते ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमें पिंच ऑफ वोल्टेज कैसा लेना है, निगेटिव, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग किसके किसके बीच में बनाते हैं, ट्रांसफर वर्ड का मतलब यह है इनपुट आउटपुट का रिलेशन, यानी कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में जो भी ग्राफ होगा दैट ग्राफ इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ये ग्राफ हमारे पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ये रहा हमारा इनपुट करंट आईडी और ये रहा हमारा इनपुट वोल्टेज VGS। VGS हमने निगेटिव में इसलिए लिया है क्योंकि इन केस ऑफ एन चैनल VGS हमारा निगेटिव होता है, तो हम निगेटिव में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं क्या होती है, करंट की वैल्यू कम होती भी जाती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या था, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन साथ में इधर हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉन है, दोनों को कंपेयर किया गया है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी क्या था, जीरो वोल्टेज पे हमें मैक्सिमम करंट मिलती थी, अब जैसे जैसे हमने वोल्टेज डिक्रीज करी है यानी कि निगेटिव में वैल्यू बढ़ाते गए हैं, तो हमारी करंट भी क्या हो रही है, कम होती भी जा रही है, ठीक है। इसी पे हमारे पास इधर देखो, मैक्सिमम से हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव में जाने पे हम करंट धीरे धीरे जीरो होती हुई चली गई, ठीक है। ये इधर वाला पार्ट हमारा ट्रांसफर है, इधर वाला पार्ट आउटपुट है, दोनों साथ में बनाना है, साथ में बना दो, अलग अलग बना दो अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MOSFET। अब हमने JFET पढ़ा, JFET में हमने N चैनल JFET पढ़ा, ठीक है। अगर P चैनल JFET होता तो क्या होता, उसकी बात कर ले,
पी चैनल जो इफेक्ट होता तो चेंजेस क्या आता, सिर्फ इसी में चेंज आता ना, कैटेस्टिक में। कैटेस्टिक में क्या चेंज आता कि जो हमारी VGS की वैल्यू है, यहाँ पर हम निगेटिव VGS वैल्यू दे रहे हैं तो करंट की वैल्यू कम होती हुई जा रही है। अगर पी चैनल जेफेट होता तो VGS हमारा पॉजिटिव में देते, गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज देते तो करंट की वैल्यू कम होती और ये सारा वोल्टेज निगेटिव की जगह पे क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर कैटेस्टिक हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में बना रहे हैं, ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता क्योंकि अब VGS की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो मैक्सिमम से कम होती हुई दिखेगी कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रही है बात, चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट। एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, अब जैसे कि डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट में हमें पता है कि डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट में ऑलरेडी एक इंटरनल चैनल प्रेजेंट होता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, दैट्स वाई इसको हम लोग डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट बोलते हैं। और इसके बाद एक दूसरा हमारे पास मॉस्फेट है, दैट इज इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट, उसमें चैनल प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें हमें चैनल को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में एक पी टाइप सब्सट्रेट लिया हमने, पी टाइप सब्सट्रेट में हमने दो एंड पे एन टाइप सेमीकंडक्टर को इंसर्ट करा है और एंड टू एंड इंटरनली कनेक्टेड है ड्यू टू चैनल, ठीक है। तो SiO2 का लेयर है, उसके बाद मेटल कॉन्टैक्ट दे के एक टर्मिनल को हमने गेट बनाया है, दूसरे टर्मिनल को सोर्स बनाया है और तीसरा हमारे पास ड्रेन, ठीक है। अब डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट और हमारा JFET की कैटिस्टिक बिल्कुल सेम होती है, बस कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे सेम होती है वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अगर इसके सिम्बॉल पे जाओ तो सिम्बॉल पे हमें क्या दिख रहा है कि करंट अंदर के साइड जा रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं एन चैनल, और बीच में गैप यहाँ पर जो है इन दोनों में कोई गैप नहीं है, ये कनेक्टेड है ना, यानी कि इंटरनली एक चैनल है वो ये बता रहा है कि ये चैनल से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये एन चैनल मॉस्फेट का सिंबल। अगर ये इन्हांसमेंट टाइप होता तो ये जो कनेक्शन वाला पार्ट है ये मिसिंग होता, वो दिखाता कि ये यहाँ पर कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यहीं पे करंट की डायरेक्शन अगर बाहर की साइड होती तो हम लोग बोलते पी चैनल, अगर करंट की डायरेक्शन अंदर की साइड है तो हम लोग बोलेंगे एन चैनल, ठीक है। ये बिल्कुल अपोजिट है, एन पी एन ट्रांजिस्टर में हम लोग बाहर की साइड करंट होता है तो बोलते हैं एन पी, है ना। सिमिलरली JFET में भी करंट बाहर की साइड होता है तो सॉरी उसमें भी JFET में अंदर की साइड होता है तो एन चैनल, तो सिमिलरली यहाँ पर भी अंदर की साइड है तो एन चैनल, बाहर की साइड होती तो पी चैनल। ध्यान देने वाले BJT से जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। आगे चले, अब अगर करंट की बात कर ले तो इनिशियली अगेन हम सबसे पहले गेट टू सोर्स वोल्टेज पे जीरो वोल्टेज दे रहे हैं, कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई कर, सिंपली ड्रेन को एक पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया और सोर्स को एक निगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जो कि हम बोल रहे हैं VDS, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, अगेन एन टू एन आपस में कनेक्टेड हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड आएगा और जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड आता है दैट इज कॉल्ड ड्रेन और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हमारे पास सोर्स हो जाता, ठीक है। अब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगेन एक टाइम पे जाके सैचुरेट हो जाएगी, उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो करंट नहीं इंक्रीज करेगा, रीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने की एक लिमिट है, ठीक है, मैक्सिमम सैचुरेशन करंट तक होगा और उस टाइम पे हमने गेट वोल्टेज अभी भी कुछ अप्लाई नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जब गेट टू सोर्स वोल्टेज पे हम लोग क्या कौन सी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन है, गेट पे हम लोग कैसी वोल्टेज दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या करेगा, जब गेट पे जीरो वोल्टेज था तब तो सिंपल एक
सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर VDS वोल्टेज बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो बढ़ गई। अब गेट पे जैसे ही हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तो गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज मतलब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ये यानी कि जो पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, कौन से माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो भी अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एक सेकेंड, दो कंडीशन बनती है, पॉजिटिव और निगेटिव। हम लोग इसी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डिस्कस कर लेंगे। तो पहले जब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव दिया, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो था, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे थे, तो करंट एक लिमिट तक बढ़ेगी और देन कॉन्स्टेंट हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। हम इस वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन था हमारा जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो था। अब हमने गेट पे कैसे वोल्टेज दी है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वोल्टेज दिए, ये तो सैचुरेट हो गया एक टाइम पे जाकर सैचुरेट हो गया, उसके बाद करंट इंक्रीज करना बंद कर देगा। लेकिन जब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव दिया है तो आएगा क्या, पी साइड के पास जो इलेक्ट्रॉन था, है ना, मेजोरिटी में होल्स है लेकिन माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन तो है, तो पॉजिटिव वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और ये इलेक्ट्रॉन चैनल में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा कंडक्शन प्रोसेस। अब जैसे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो ऑब्वियस है जो हमारे पास करंट है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि चैनल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ पी टाइप आने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉन हेल्प करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, और जब गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव होता, गेट टू सोर्स वोल्टेज जब निगेटिव होता, तो निगेटिव होता अगर, तो निगेटिव होने से क्या होता, ये जो चैनल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना कर हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में चले जाते, जिसके कारण हमारा चैनल डिस्टर्ब होता। ठीक है, अगेन जैसे हमारे पास JFET में निगेटिव वोल्टेज पे करंट की वैल्यू कम हो रही थी, सिमिलरली यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज पे क्या होगा, चैनल हमारे पास क्या होगा, डिस्टर्ब होगा ड्यू टू दिस निगेटिव वोल्टेज। ये निगेटिव वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके कहाँ भेज देगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें कम होगा, हमारे पास करंट की वैल्यू कम होती हुई चली जाएगी। सिमिलरली तो हम देख ही रहे हैं कि निगेटिव वोल्टेज पे हमारी करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, VGS इक्वल टू -1। पॉजिटिव पे करंट इंक्रीज हुई क्योंकि पी टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चैनल में आके पार्टिसिपेट करने लगा। निगेटिव पे हमारे पास जो चैनल में इलेक्ट्रॉन था वो पी टाइप में चला गया, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कम हो गया, तो करंट की वैल्यू कम हो। अब निगेटिव में वोल्टेज और बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू और कम ही होती जाएगी, सिमिलरली पॉजिटिव में वोल्टेज और बढ़ाओगे तो हमारे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो ये था हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट करंट ID और आउटपुट वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, डिप्लेशन टाइप MOSFET की। डिप्लेशन टाइप MOSFET और JFET में बस क्या डिफरेंस है, सिर्फ इस कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस है कि JFET में ये वाला मिसिंग होता है, बाकी तो सेम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या देखा है, गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है कंडक्शन में, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। निगेटिव में बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये रही हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ये रहा हमारा VGS। तो पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज पे तो करंट बढ़ेगा, निगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज पे करंट कम हो रहा है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ट्रांसफर मतलब
आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में जो भी ग्राफ होगी उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ भी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, गेट करंट जीरो है। अब अगर इसकी बात करें तो ये थी हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। आउटपुट बोलो या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था कि गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो पे तो करंट इंक्रीज हो गई और जाकर सैचुरेट हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है गेट पे, तो पॉजिटिव पे गेट वोल्टेज के कारण हमारी करंट इंक्रीज हुई क्योंकि पी साइड का मैग्नेटिक चार्ज कैरियर हमें पार्टिसिपेट कर रहा था, तो ये हो गई हमारी गेट टू सोर्स वोल्टेज प्लस वन वोल्ट। निगेटिव में जैसे ही निगेटिव पाथ की बात करें तो निगेटिव में करंट हमारी डिक्रीज होनी लग गई क्योंकि निगेटिव में गेट वोल्टेज देने पे जो भी इलेक्ट्रॉन चैनल में पार्टिसिपेट कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर में चला जाता है तो हमारा चैनल डिस्टर्ब होता है, दैट्स वाई करंट डिक्रीजेज और यहाँ पर करंट इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये थी हमारी डिप्लेशन टाइप एन चैनल मॉसफेट। अब अगर यहीं पे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें और पी चैनल डिप्लेशन टाइप मॉसफेट होता तो क्या होता, सब कुछ जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, ये ग्राफ ऐसे बनता है ना। अभी तो ग्राफ पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, अगर पी चैनल होता तो निगेटिव में ग्राफ इंक्रीज होता और पॉजिटिव में हमारा करंट कम होता। सिमिलरली यहाँ पर भी जस्ट अपोजिट हो जाता, गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव के लिए करंट इंक्रीज करना स्टार्ट होता और गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव के लिए करंट डिक्रीज करना स्टार्ट होता। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में हमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है डिप्लेशन टाइप से, क्या क्योंकि यहाँ पर चैनल मिसिंग है, एंड टू एंड कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, बाकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने दोनों साइड क्या कनेक्ट कर रखा है, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा रखा है, एक टर्मिनल ड्रेन है दूसरा टर्मिनल सोर्स है, तो ये हो गई हमारी अनाउंसमेंट टाइप। अब चैनल जो बनेगा एन टू एन ही बनेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, वो सब बात की बात है कैसे क्रिएट होगी, तो ये भी हमारा एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो है, गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो दो और वीडीएस पे क्या करो वोल्टेज दे दो, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि एन टू एन इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, पहले तो चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, चैनल क्रिएट करने के लिए गेट का बहुत बड़ा हमारे पास यूज है, जब तक गेट पे हम वोल्टेज देंगे नहीं तो चैनल क्रिएट होगा नहीं। ठीक है, इन केस ऑफ एन चैनल गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दे के चैनल क्रिएट होती है, इन केस ऑफ पी चैनल गेट पे नेगेटिव वोल्टेज दे के चैनल क्रिएट होती है। अब जब चैनल ही एन टू एन एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो कोई भी करेंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो पे और वी टी एस पॉजिटिव पे भी कोई भी करेंट फ्लो नहीं हो रहा है, रीजन काफी क्लियर है क्योंकि चैनल मिसिंग है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में हमने गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया है। ठीक है, गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, यहाँ पर हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा गेट से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही पी साइड का मैग्नेटिक चार्ज कैरियर गेट पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा तो एन टू एन एक चैनल क्रिएट हो जाएगा। अब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे हमारा करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन हमने गेट पे इकट्ठा कर लिया। लेकिन क्या एक सिंपल गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव पे ये काम हो जाएगा, नहीं, इसकी एक वैल्यू होगी है ना, इसकी एक वैल्यू होगी जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रीसोल्ड वोल्टेज है ना, VTH। क्या बोलेंगे, VTH थ्रीसोल्ड वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज जो चैनल को क्रिएट कर देता है ना, वो मिनिमम वोल्टेज
जो चैनल को क्रिएट कर देता है, यानी करंट को एंड टू एंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, डैट इज कॉल्ड थ्रीसोल्ड वोल्टेज। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो हमारा चैनल क्रिएट हो गया, नहीं, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज तो देना पड़ेगा चैनल को क्रिएट करने के लिए, दैट वोल्टेज नोन एज ए थ्रीसोल्ड वोल्टेज। एक बार चैनल क्रिएट हो गया उसके बाद VDS की वैल्यू तुम कितना भी दो, 1 वोल्ट 2 वोल्ट करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एंड टू एंड चैनल हमने बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये थी इसकी वर्किंग। अगेन अगर गेट पे निगेटिव वोल्टेज देंगे, गेट पे निगेटिव वोल्टेज देंगे तो कोई चैनल क्रिएट होगा नहीं, तो अगेन कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कब फ्लो होगा? इन केस ऑफ एन चैनल, जब गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज हो तब, अदरवाइज 0 पे भी नहीं और निगेटिव पे भी नहीं। कैटिस्टिक की अगर बात करें तो कैटिस्टिक ड्रेन कैटिस्टिक की अगर बात करें तो ड्रेन कैटिस्टिक आउटपुट करंट ID और आउटपुट वोल्टेज VDS। इसमें क्या चेंज है कि इसमें चेंज ये है कि पहले तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर तुमने गेट वोल्टेज सॉरी 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 ठीक है, पहले तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा जब तक गेट पे कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमने ना दिया। वो मिनिमम वोल्टेज एन चैनल में क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि चैनल क्रिएट करना है, पी साइड से माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज ही देनी पड़ेगी। तो जब तक एक VTH वैल्यू को क्रॉस ना कर ले हम लोग, 2 वोल्ट से पहले कोई भी करंट नहीं होगा, क्योंकि 2 वोल्ट से पहले हमारा चैनल ही क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे 2 वोल्ट के बाद या गेटर 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 एंड 7 पे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि तो एक चैनल क्रिएट हो गया, उसके बाद जितने भी वोल्टेज बढ़ाएंगे वो चैनल को और ज़्यादा हेल्प करेगा करंट के फ्लो में। दैट्स वाई आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज ग्राफ हमारा इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव वोल्टेज जितना भी बढ़ाएंगे वो हमारा करंट के फ्लो में हेल्प करेगा। दैट्स वाई ID करंट इंक्रीजेज बाई इंक्रीजिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज इन पॉजिटिव। सारा वोल्टेज कैसा है? पॉजिटिव वोल्टेज। ये तो बात हो गई एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट की। अगर यही पी चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट होता तो चैनल गेट पे निगेटिव वोल्टेज से क्रिएट होता, ना कि पॉजिटिव वोल्टेज से, और ये सारी वोल्टेज निगेटिव होती। निगेटिव में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते ID करंट इंक्रीज होती इन केस ऑफ पी चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट। ठीक है, अगेन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच बनेगी? गेट टू सोर्स वोल्टेज और ID करंट। ठीक है, ID और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में बनेगी। अब हमने क्या देखा था कि VGS हमारा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक टाइम तक तो करंट फ्लो नहीं करेगी, उसके बाद जैसे ही हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करा करंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, जैसे नॉर्मल डायोड में होता था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा ट्रांसफर कैटेस्टिक का पार्ट है, और ये वाला पार्ट हमारे पास ड्रेन कैटेस्टिक जो ऑलरेडी हमने देख रखा है। ड्रेन कैटेस्टिक में क्या हो रहा था कि पॉजिटिव कुछ टाइम तक तो करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पास ना करते। थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड करता है डोपिंग क्या है, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, उस सब पे हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड करता है। अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करते हैं या उसके इक्वल, हमारा करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। यानी अगेन यहाँ पर अगर पी चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट होता तो ये सब कुछ उल्टा हो जाता, ग्राफ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में आता, अब गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव पे करंट हमारा इंक्रीज करना स्टार्ट होता, और वहाँ पर VTH वोल्टेज निगेटिव होती, यहाँ पर VTH वोल्टेज पॉजिटिव है। सिमिलरली करंट आउटपुट कैटेस्टिक में इंक्रीज होती, गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव पे, निगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाते करंट वैल्यू बढ़ती जाती, बाकी सब कुछ सेम रहा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन बिटवीन BJT डिफरेंट एंड MOSFET। इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि हमने BJT देखा, MOSFET देखा, डिफरेंट देखा। ठीक है,
तो बेसिकली ट्रांजिस्टर बीजेटी से जेफेट पर फिर शिफ्ट हुआ, देन मॉसफेट पे आया, और मॉसफेट से भी आगे बहुत ही एडवांस टाइप के मॉसफेट आ गए हैं। तो अभी हम लोग उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, सिंपल मॉसफेट की बात करते हैं। तो तीनों में अभी तक जाकर हम बीजेटी तो यूज़ करना बंद ही कर दिए, बीजेटी कहीं भी यूज़ नहीं होता है ना। जेफेट थोड़ा बहुत कहीं होता होगा तो होता होगा, मॉसफेट पे हम लोग सारी टेक्नोलॉजी मॉसफेट कर सकते हो। रीज़न क्या था? क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर यूज़ करना है, और ट्रांजिस्टर की जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दो है, कि इनपुट इम्पिडेंस लो, सॉरी इनपुट इम्पिडेंस हाई, मतलब जितना हाई हो सके, आउटपुट इम्पिडेंस लो, और गेन यानी वोल्टेज गेन ज़्यादा होनी चाहिए, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ये तीनों चीज़ ना मॉसफेट की बहुत अच्छी होती है, इनपुट इम्पिडेंस हाई, आउटपुट इम्पिडेंस लो, और गेन बहुत ज़्यादा। तो मॉसफेट हमें हर तरह से हेल्प कर रहा था टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, तो इसलिए हम लोग बीजेटी से कहाँ शिफ्ट हो गए, मॉसफेट। सिमिलरली जेफेट बीजेटी से अच्छा होता है, तो बाकी जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक थी, इनपुट इम्पिडेंस गेन और आउटपुट रेजिस्टेंस, वो बीजेटी से अच्छा हुआ जेफेट में, और जेफेट से अच्छा होता चला गया मॉसफेट। ठीक है, अब एक अच्छे ट्रांजिस्टर की खास बात क्या है? सबसे पहले तो इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, आउटपुट इम्पिडेंस, गेन, नॉइज, एक अच्छा ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पिडेंस जितना हाई रख सको, एक अच्छा ट्रांजिस्टर की आउटपुट इम्पिडेंस जितना कम हो सके, गेन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, नॉइज बहुत कम होनी चाहिए, थर्मल ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये जो भी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा किसका है, मॉसफेट का है। मॉसफेट का इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई है, आउटपुट इम्पिडेंस बहुत कम है, गेन बहुत अच्छा है, नॉइज बहुत कम है। अगर इसको कंपेयर करें जेफेट से, तो जेफेट की इनपुट इम्पिडेंस हाई तो है लेकिन मॉसफेट से कम है, आउटपुट इम्पिडेंस लो तो है लेकिन मॉसफेट से ज़्यादा है, गेन ज़्यादा तो है लेकिन मॉसफेट से कम है, नॉइज कम है लेकिन मॉसफेट से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग बीजेटी, जेफेट और मॉसफेट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड यूनिट का रिवीजन वीडियो, जिसमें हमने बीजेटी, जेफेट और मॉसफेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर किए हैं। बीजेटी में हमने कॉमन बेस, कॉमन इमिटर कवर करा है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं वहाँ पे। अब लक ही खराब है, कुछ इधर उधर से आ गया तो अलग बात है, मोस्टली यही दो क्वेश्चन आते हैं। जेफेट में एन चैनल, और एन चैनल मैंने डिस्कस करा है, पी चैनल के बारे में बता दिया है कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, एनहांसमेंट टाइप और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट दोनों की बात करी है, और दोनों में मैंने एन चैनल के साथ साथ पी चैनल को भी डिस्कस करा है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए हैं, न्यूमेरिकल एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो भी डिस्कस हो गया है इस वीडियो में। तो लगभग 90% सिलेबस यूनिट टू का इस वीडियो में कवर हो रहा है, बाकी जो 10% है वो आप लोग एप्लीकेशन पे जो भी वीडियोस पढ़ा हुआ है उसमें सारा सिलेबस हमने कवर करा। थैंक यू।